सिर्फ एसी मेट्रो ही चलती है। मेट्रो को यूज करने वाले यात्री संख्या भी बढ़ चुका है, साथ में कोलकाता मेट्रो की लाइन भी एक्सटेंड हो चुका है। लेकिन इन सब में भी 4 मार्च 2000 अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैमानी, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इस्माइल कुरैशी। तो यार आज की जो वीडियो बड़े मजे की होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग देखना चाहते हैं, अभी मैंने एक वीडियो देखी थी डेविड की, तो उसमें लिखा हुआ था मेड इन चाइना मेट्रो इन कोलकाता। कोलकाता जी, तो अभी उस वीडियो को देखते हैं, उस पर रिएक्शन करते हैं, तो बातें बाद में करेंगे, पहले वीडियो को देखते हैं, क्योंकि मुझे वीडियो कुछ थंबनेल समझ नहीं आई है, और आई थिंक मैंने वीडियो वो देखी भी नहीं थी। वीडियो देख के रिव्यू देते हैं जी। तो अभी आप लोगों से एक गुजारिश होती है कि जो हमारे चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि इस तरह की मजे मजे की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो अभी टाइम जाए कि बिना ही पहले शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जिंदगी भर साथ देना, ये बहुत है। जी तो व्यवहार शुरू करते हैं दोस्तों। कोलकाता मेट्रो की डलियन रेक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जो कि चाइना से हमारे देश में इंपोर्ट किया गया था। करीब 3 साल होने जा रहा है डलियन रेक को आते हुए, बट अभी तक इसे यात्री परिसेवा में नहीं लाया गया। अब इतने पैसे से खरीदा गया डलियन रेक का होगा क्या, एंड इसका फ्यूचर क्या है, चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं इसके बारे में। नॉन एसी मेट्रोस का जमाना गया, अब तो सिर्फ एसी मेट्रो ही चलती है। मेट्रो को यूज करने वाले यात्री संख्या भी बढ़ चुका है, साथ में कोलकाता मेट्रो की लाइन भी एक्सटेंड हो चुका है। लेकिन इन सब में भी 4 मार्च 2019 से चाइना से इंपोर्ट किया गया डलियन रेक वही के वही पड़ा है। डलियन रेक की ट्रायल रन चलाया गया, मेट्रो एंड पैसेंजर सेफ्टी वेस्ट सारे एग्जाम किए गए, लेकिन अभी तक इसको यूज नहीं किया गया, और इसको लेकर ही अब सवाल उठने लगी है मेट्रो रेलवे के अंदर। इतने करोड़ रुपए खर्च करके खरीदा गया डलियन रेक का फ्यूचर क्या है, मेट्रो के इंजीनियर्स को भी नहीं पता। 4 मार्च 2019 में जांच के जरिए चाइना से कोलकाता तक डलियन रेक को लाया गया था। धूमधाम तरीके से इसकी प्रचार भी किया था कोलकाता मेट्रो ने। 7 मार्च को ही नोआपाड़ा के कारशेड में डलियन रेक को लाया गया, तब से आज तक वही परी मौजूद है। हालांकि कई बार इस रेक की एग्जामिन किया गया, लेकिन एग्जाम का रिजल्ट खराब रहा। मेट्रो में ट्रेवल करते हुए यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखकर दक्षिणा शहर को भी सुबह तक डलियन रेक की कॉमर्शियल रन कभी शुरू नहीं हुआ। मेट्रो ऑफिशियल्स का कहना है डलियन रेक अभी तक यात्री परिसेवा के लिए अभी तैयार नहीं है, रेक में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। हालांकि डलियन संस्था के इंजीनियर्स आने वाले हैं और इस रेक की कमियों को ढूंढेंगे, लेकिन कोविड के वजह से वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। बहरहाल ट्रायल रन के बाद नोआपाड़ा कारशेड में अभी वो पड़ा है। अब सवाल यह है कि एक रेक में ही अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो बाकी और 13 डलियन रेक का क्या होगा। हालांकि काफी लोगों को उम्मीद है कोविड खत्म होने के बाद डलियन रेक कॉमर्शियल रन के लिए तैयार हो सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट पर जरूर बताना। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा पाने के लिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो रिवर्स आ रही थी जी, तो रिवर्स मुझे यार समझ नहीं आई वीडियो, क्योंकि मतलब इतना खर्चा कर चाइना से मतलब ये मेट्रो मंगवाई गई, और देखा जाए तो वो एसी मेट्रो है और बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल मेट्रो है और उसकी स्पीड भी बहुत फास्ट है, लेकिन कुछ समझ नहीं आई इस वीडियो की ना मुझे कि यार ये ऐसा हुआ क्यों है। हमारी क्या राय है ये तो हमें समझ नहीं आया, लेकिन आप लोगों की क्या राय है प्लीज कमेंट सेक्शन आपकी मोहब्बत के लिए खुला हुआ है। जितनी राय जितना प्यार आप लोग देना चाहते हैं प्लीज कॉल करके दें। और बस यही कहना चाहेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर भी कीजिए अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि हम आपके लिए इस तरह की मजेदार वीडियो लाते रहें और आपको एंटरटेन करते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अक्सर होता है ना कुछ चीजें, बंदा एक मिनट के लिए खामोश हो जाता है। ठीक है, यानी आप बोल के थक चुके हैं। नहीं, मैं आपको देख के खामोश हो गया हूँ, मुझे देख के थक गए। जी तो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा। अगर मजा आया तो इस तरह की वीडियो की जुड़ी रहेगा, और अगर इस तरह के चैनल को हमारे चैनल को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस तरह की मजे मजे की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं चला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। हम लोगों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।